भारत जोड़ो यात्रा के सफल समापन के बाद श्री राहुल गांधी का संदेश लोगों तक पहुंचाने के लिए हाथ से हाथ जोड़ो अभियान महरौली और बदरपुर जिलों की संयुक्त बैठक आज छतरपुर विधानसभा में आयोजित की गई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश अनुसार दिल्ली में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान जिला स्तर पर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के नेतृत्व में कल बुधवार 1 फरवरी 2023 से पूर्वी दिल्ली में शुरू हुआ। आज हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का कार्यक्रम दक्षिणी दिल्ली संसदीय क्षेत्र के महरौली और बदरपुर जिला कांग्रेस कमेटियों ने संयुक्त रूप से छतरपुर विधानसभा में आयोजित किया। ऐसा है कि मैंने अभी जो बोला था कि लोग मिलना चाहते हैं, अब ये इस तरह नहीं, हम तो कहते पब्लिक में जाओ, पब्लिक का प्यार जीतो, पब्लिक को अपनी बात बताओ, अपने प्रोग्राम बताओ। मेरी बात जब भी क्लियर होती है, मैं यही कह रहा हूँ कि भाई कांग्रेस को खड़े होने में देर नहीं लगेगी, लेकिन हमारी गलती हो रही है कि हम बैठे बैठे अपने आप को जो समझते हैं अब आज भी हम बड़े सत्ता में हैं। आज हमें सत्ता में नहीं है, हम सत्ता से बाहर हैं, तो हमें लोगों से जुड़ना, हमें लोगों के साथ जाना है और कांग्रेस की तरफ लोगों का झुकाव है। ये जो जनून फर्क पड़ा है, ये आपको पता है कि जब आदमी किसी के पास जाता है तो कितने लोग जुड़े हैं, करोड़ों में लोग जुड़े हैं, तो उसका फ़र्क तो पड़ता ही है। जो बात हम नहीं कह सकते, मीडिया से नहीं कह सकते, अखबारों से नहीं कह सकते, वो बात हम आमने सामने खड़े होकर कह सकते हैं। सभी कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से घर घर जाएं, क्या एकजुटता के साथ क्या कहना चाहेंगे? घर घर जाकर के अपने प्रोग्राम बताएं कि कांग्रेस पार्टी ये करना चाहती है, इन लोगों ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, जो उनकी कमियाँ हो बताएँ, अपनी खूबियाँ बताएँ, तो कांग्रेस के साथ लोग जुड़ेंगे। आगामी 2024 के लिए तैयारी हो रही है और नहीं, अच्छी तैयारी हो रही है, अच्छा रिजल्ट आए। टेकचंद शर्मा जी, साउथ दिल्ली से सबसे पुराने नेता आप हैं, किस नज़रिए से आप देखते हैं जिस तरीके से बीजेपी जो है अपना प्रचार करती है, कैसे घर घर जा रही है, आपका कैसा रहेगा, किस तरीके से आप पुराने नेता हैं? देखिए साहब, बात यह है, प्रचार को तो आप भी जानते हैं, जहाँ जहाँ जाती है। मैं एक दो तीन दिन पहले आप वालों की एक उलगट रही थी रैली, उसमें 10-12 आदमी होंगे, उसे बढ़ा चढ़ा के मीडिया में या अखबार में जो अपना बढ़ जाता वही बढ़ा दिखता, लेकिन कुछ नहीं है पब्लिक में। जो ये कह रहे हैं ना, हमने ये कर दिया वो कर दिया, वो सारी जो इनकी एक प्रचार करने की पॉलिसी है। हम लोग, मैं तो खुद अपना कसूर मानता हूँ, हमारा प्रचार नहीं होता इतना जितना ये करते हैं, और लोग तो अखबार पढ़ेंगे या मीडिया टेलीविज़न देखेंगे, उनसे तो पता लगेगा उन्हें क्या कर रहे हैं, करो या मत करो, उन पर छा जाओ, बस ये। निश्चित रूप से हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का जो दौरा हुआ है, उनकी जो पद यात्रा है, उसके बाद सभी कांग्रेसियों में एक नए जोश का संचार हुआ है, सभी अपनी अपनी जवाबदेही को समझ रहे हैं और उसी के हिसाब से जिनको जो जवाबदेही है उसको निष्ठापूर्वक काट कर रहे हैं। यानी हम कह सकते हैं कि आगामी 2024 के चुनावों को लेकर आपकी रणनीति तैयार हो चुकी है और आप जनता के बीच में लगातार पहुंच रहे हैं। ये तो है ही, देखिए वैसे हमारे नेता बार बार कहे हैं कि हमको, मेरा मकसद सिर्फ चुनाव लड़ना नहीं और ये पार्टी का पदयात्रा नहीं मान रहा है। देश पर जो खतरा उत्पन्न हुआ है, जो देश को तोड़ने की साजिश चल रही है, जो देश पर पुनः गुलामी की जंजीर में फंसते जा रहा है, हमारे नेता उसका आज़ादी चाहते हैं और इसीलिए जनता से डायरेक्ट इंटरेक्शन चाह रहे हैं और उसी के तहत घूम ले रहे हैं। आप कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे, आप जिस तरह का जोश लग रहा है, कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? संदेश देना है, जो हमारी जो अभी सरकार है देश में 8 साल, जहाँ न हमको बोलने की छूट है, न कुछ करने की छूट है, चाहे विरोधी दल के नेता हों, चाहे अफसर हों, चाहे मीडिया कर्मी हों, चाहे उन्हीं के दल के नेता हों जो उनसे सहमति नहीं रखते, सब पर खतरा है।